रिश्ता क्या कहलाता है शो में पिछले कुछ महीनों में जय सोनी ने अपने किरदार अभिनव के जरिए सभी का खूब दिल जीता है। हालांकि अब ये किरदार अपने अंत की तरफ है। खुद राजन शाही ने खुलासा किया है कि शो में अभिनव की मौत का ट्रैक दिखाया जाएगा और इस तरह से जय सोनी शो से एग्जिट ले लेंगे। वहीं अब शो से एग्जिट पर खुद जय ने भी दिल खोल कर बात की है। ई टाइम से बातचीत में जय ने अपने आखिरी एपिसोड से पहले क्या कुछ कहा है आपको भी बताते हैं। जय ने बताया कि वो शो से बाहर होने से काफी दुखी हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है जब एक साइड एक्टर के जाने से फैंस निराश हुए हों। जय ने कहा कि जब उनके शो छोड़ने की खबर आई तो उन्हें कई लोगों के मैसेजेस आए और सभी ने उनसे रिक्वेस्ट की शो से नहीं जाने की। जय ने ई टाइम से बातचीत में आगे कहा, जब मुझे शो का ऑफर मिला था मैंने ज्यादा नहीं सोचा था, बस कर लिया क्योंकि ये शो काफी पहले से चलता आ रहा है। लेकिन जब मैं कैरेक्टर को समझने लगा तो मुझे समझ आया कि ये आसान टास्क नहीं है। मुझे समय लगा अपने किरदार को स्थापित करने में क्योंकि बाकी किरदार पहले से ही अच्छे से स्थापित है। मैं शो में एक सिंपल लड़के का किरदार निभा रहा था और मुझे अच्छा लगा कि मेरा काम सभी को पसंद आया। बीते दिन जब मेरे शो से बाहर जाने की बात सामने आई तो मुझे कई सारे मैसेजेस आए, लोग मुझसे शो ना छोड़ने की बातें कर रहे हैं। जय आगे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। फैंस को, दर्शकों को अभी भी लगता है कि मेरे किरदार में स्कोप है और उसे आगे और एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब मैं शूट करता था तो ओवरटाइम भी हो जाता था लेकिन मैं जाता नहीं था। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरा किरदार नेगेटिव नहीं हुआ और मुझे नेगेटिव किरदार नहीं निभाना पड़ा। वहीं जब जय से ये सवाल किया गया कि ये रिश्ता के बाद वो फ्यूचर में अब कैसे प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो इस पर जय कहते हैं, आगे मैं ऐसे शो में काम नहीं करूंगा कि बस मुझे काम करना है, बस ऐसा काम करना है कि लोग मुझे हमेशा याद करें। आपको बता दें कि अभिनव की मौत से अक्षरा की लाइफ में बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। वहीं कहा तो ये तक जा रहा है कि अभिनव की मौत के पीछे अभिमन्यु जिम्मेदार होगा। हालांकि अब देखना तो ये है कि किस मोड़ पर किस तरह से अभिनव की शो में मौत होगी।